मॉर्निंग चिल्ड्रेन, आप सभी अपने ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट हो चुके हैं, तो कमेंट बॉक्स में जाकर सभी बच्चे अपना अटेंडेंस बना लें। सभी बच्चे ने अटेंडेंस बना लिया होगा, तो मैं एक बार सभी बच्चों से शेयर करना चाहती हूँ कि जो बच्चे अपने ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट नहीं रहते हैं, तो प्लीज़ आप सभी बच्चे प्रेजेंट रहा कीजिए जिस तरह से आप स्कूल में प्रेजेंट रहा करते थे। और दूसरी बात, जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है वो परचेज़ करवा लें, ताकि पढ़ाई बेहतर से बेहतर ढंग से हो सके, है ना, अच्छे से अच्छे तरीके से हो सके, ठीक है ना। ये दो काम आप हर हाल में कीजिए। जिस तरह से आप अपने स्कूल में प्रेजेंट रहा करते थे, अपने क्लास में प्रेजेंट रहा करते थे, उसी तरह ऑनलाइन क्लास में भी प्रेजेंट रहा कीजिए हर हाल में। और बुक परचेस करवा लीजिए अपने मम्मी पापा से कहकर, जिन बच्चों के पास बुक है उनके लिए ये बात नहीं है। अब चलिए, आप सभी बच्चे क्या करेंगे, जिन बच्चों के पास बुक है वो अपनी नोटबुक बुक ओपन करेंगे, और जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो क्या करेंगे, अपनी नोटबुक ओपन करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन था आपका प्रीवियस क्लास में, कल का जो आपका होमवर्क था वो क्या था, पेज नंबर 36 से, है ना, उसमें क्वेश्चन था राइट एनी टू हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, दो अच्छी आदतों, स्वस्थ यानी कि खाने की आदतों के बारे में लिखना था। तो क्या क्या होना चाहिए, आप सभी बच्चे जिन बच्चों के पास बुक होगा वो बुक में भी पढ़े होंगे, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिखवा दे रही हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे दो हेल्दी ईटिंग हैबिट्स के बारे में लिखवा दूँगी आप सभी बच्चे, या मैं फोर लिखवा दूँगी, जो बच्चे लिखे होंगे अच्छी बात है वो इरेज नहीं करेंगे, और जो बच्चे नहीं लिखे होंगे वो क्या करेंगे, बोर्ड से नोट कर लेंगे, किसी दो हेल्दी गुड ईटिंग हैबिट्स के बारे में लिख लेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन था राइट एनी टू हेल्दी ईटिंग हैबिट, है ना, क्वेश्चन था ये, तो आपको वन और टू लिखना था, किसी दो ही के बारे में लिखना था ना। तो मैं लिख रही हूं, पहला वॉश हैंड्स HANDS हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग, ठीक है ना। ये क्या है, स्वस्थ खाने की आदत है, हाथ धोना चाहिए खाने से पहले और खाने के बाद, ठीक है ना। तो आपके बुक में टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, 8 में से किसी दो के बारे में लिख रहा था, ठीक है ना। तो मैं एक लिख दी यहाँ पे, पहला वॉश हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग, खाने से पहले और खाने के बाद अपने हाथों को अच्छे तरीके से धो लेना चाहिए। दूसरा ये भी होता है, ठीक है ना, डू नॉट वॉच WATCH वॉच टीवी वाइल ईटिंग, ओके, है ना, डू नॉट वॉच टीवी वाइल ईटिंग, खाने के दौरान टीवी या मोबाइल नहीं देखना चाहिए, है ना। बहुत बच्चों की आदत होती है कि खाते हैं और टीवी देखते हैं, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। खाने के टाइम हमें दूसरा कोई काम नहीं करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ हमें खाना खाना चाहिए, उसके बाद ही हम दूसरा काम करें, या तो टीवी देखो या तो खाना खाओ, दोनों में से कोई एक काम करो। और ये गलत आदत है, खाने के दौरान टीवी देखना, बात करना, ये सब बैड हैबिट्स है, ये सब नहीं होना चाहिए, है ना। तो आपका पहला क्या था, वॉश हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग,
हाथ धोना चाहिए खाने से पहले और खाने के बाद। और दूसरा है डू नॉट वॉच टीवी व्हाइल ईटिंग, खाने के दौरान टीवी नहीं देखना चाहिए। और क्या है, यूज़ अ नैपकिन, ये भी हो सकता है, ठीक है। हमें रुमाल का भी यूज़ करना चाहिए, होता है ना कभी कभी खाते हैं तो गिर जाता है ना, चावल दाल कोई भी चीज़ गिर सकता है, तो हमें नैपकिन बिछा के खाना चाहिए अपने कपड़े पे, ठीक है ना। उसके बाद है ईट स्लोली, ये भी हेल्दी ईटिंग हैबिट्स है, हमें क्या करना चाहिए, धीरे धीरे खाना चाहिए, धीमे धीमे, यानी कि हमें चबा चबा कर खाना चाहिए। ईट स्लोली, तेज़ी में, मतलब एक रोटी का टुकड़ा तोड़े मुंह में रखे फिर दूसरा, मतलब एक मुंह का ख़त्म नहीं हुआ है दूसरा रख लिए, ये गलत बात है। हमें क्या करना चाहिए, धीरे धीरे खाना चाहिए। उसके बाद है च्यू फूड प्रॉपरली, हमें क्या करना चाहिए, खाने को अच्छे तरीके से चबाना चाहिए, जब हम मुंह में अपने निवाला रखते हैं तो उसे अच्छे तरीके से क्या करना चाहिए, चबाना चाहिए। यूज़ अ स्पून और चम्मच का भी यूज़ करना चाहिए। आप लोग क्या करते हैं, कभी कभी होता है ना स्कूल आते हैं तो मैगी वगैरह, खैर मैगी नहीं लाना चाहिए, ये सब है ना क्या बोलते हैं, कभी कभी अगर शौक है तो खा लिए, दिल किया तो खा लिए, लेकिन इसे आदत नहीं बनानी चाहिए, ठीक है ना, ये सब चीज़ नहीं खाना चाहिए। हाँ कोई जैसे कि गीला सामान है, जैसे कि हलवा वगैरह है ना, तो ये सब चीज़, खीर, ये सब चीज़ क्या है, हाथ से नहीं खाना चाहिए, इसमें स्पून का यूज़ करना चाहिए, ओके। उसके बाद है ईट फ्रेश फूड, हमें ताज़ा भोजन ही खाना चाहिए। उसके बाद है इंक्लूड ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स इन योर डाइट, खाने में जो आहार होता है हमारा, है ना, जो खाने का जो हमारा चीज़ है उसमें सब्जियां और क्या होना चाहिए, फ्रूट्स होना चाहिए। हमें सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, फ्रूट्स खाना चाहिए। बहुत सारे बच्चे फ्रूट्स नहीं खाते हैं तो आज से क्या करेंगे, फ्रूट्स खाना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि फ्रूट्स खाना ज़रूरी है हमारे हेल्थ के लिए, हमारे सेहत के लिए। आप सभी ने पढ़ा ही होगा कि एप्पल खाने से क्या होता है, हम डॉक्टर से दूर रहते हैं। एप्पल दिन भर में एक एप्पल खा लेंगे तो हमें बीमारी छुएगी नहीं, ठीक है ना, हमारी तबीयत नहीं ख़राब रहेगी। तो आप सभी बच्चे क्या करेंगे, इस चीज़ को फॉलो करेंगे। उसके बाद है दूसरा था क्वेश्चन, आपका एक्टिविटी था 5 फूड आइटम्स का नाम लिखना था जो हमें प्लांट से मिलता है, और 5 फूड आइटम्स का लिखना था जो हमें एनिमल से मिलते हैं। तो आप सभी को पता है ये बात, प्लांट से हमें क्या क्या मिलता है, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सीरियल्स, पल्सेस, स्पाइसेस, है ना, ये सब मिलता है। और एनिमल से हमें क्या मिलता है, एग, फिश, हनी, है ना, और क्या मिलता है, मीट, ये सब चीज़ हमें कहाँ से मिलता है, तो हमें एनिमल से मिलता है, ठीक है ना, ये 5 आपका हो गया। उसके बाद ड्रॉ एंड कलर द पिक्चर्स, पिक्चर आपको ड्रॉ करना था आपके फेवरेट फ्रूट का और फेवरेट वेजिटेबल का। तो ये सब चीज़ जो पिक्चर है वो अब मैं तो चेक नहीं कर सकती है ऐसे, मैं आंसर लिख सकती हूँ लेकिन पिक्चर तो नहीं बना सकती। तो ये क्या, कब करूँगी चेक, जब स्कूल हमारा खुलेगा तो मैं आप सभी का पिक्चर चेक करूँगी, ठीक है ना। आप, मैं उम्मीद भी करती हूँ कि आप सभी ने अच्छे से पिक्चर बनाया होगा, नीट एंड क्लीन आपका होगा और ब्यूटीफुल भी होगा, सुंदर भी होगा। तो जब स्कूल ओपन होगा तो क्या करेंगे, हम इसे चेक करेंगे, ओके। अब हम चलते हैं हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है उसकी तरफ, चैप्टर 7, माई क्लॉथ्स, हमारे कपड़े, ठीक है ना, मेरा कपड़ा। हम जैसे हमारे लिए फूड इम्पॉर्टेंट है, उसी तरह हमारे लिए क्लॉथ्स भी इम्पॉर्टेंट है, कपड़े भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ठीक है ना। फूड के बाद हमारे लिए कपड़ा दूसरा सबसे ज़रूरी चीज़ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, चैप्टर 7, मैं लिख दे रही हूँ, चैप्टर 7, माई क्लॉथ्स, माई CLOTHES, क्लॉथ्स, मेरा कपड़ा। इसमें जो लर्न करना है, यू विल लर्न, मतलब इसमें आप सभी को जो पढ़ना है इस चैप्टर में, माई क्लॉथ्स में आपको जो टॉपिक पढ़नी है, जो पॉइंट्स पढ़नी है, वो क्या है, नीड क्लॉथ्स, नीड ऑफ क्लॉथ्स, CLOTHES, क्लॉथ्स, ठीक है ना। ये पहला पॉइंट है, मतलब
कपड़ों की यानी कि कपड़े ज़रूरी है हमारे लिए, है ना। उसके बाद है दूसरा पॉइंट्स है टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स, TYPES, टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स। पहला टॉपिक क्या है, नीड्स ऑफ क्लॉथ्स। तो चलिए पहले हम इस टॉपिक को क्या करते हैं, सब डिस्क्राइब करते हैं, उसके बाद टाइप्स ऑफ क्लॉथ पे आएंगे। तो आपका और भी है इसमें, लेकिन अभी फिलहाल ये दो ही टॉपिक मैं अभी आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है ना। दो ही पॉइंट्स इस चैप्टर का पढ़ाऊंगी। चैप्टर का नेम क्या है, माई क्लॉथ्स। चैप्टर नंबर 7 है माई क्लॉथ्स। उसमें आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहले नीड ऑफ क्लॉथ्स, कपड़े यानी कि क्यों ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाई, विच इज़ योर फेवरेट ड्रेस। यहाँ पे आप सभी बच्चे क्या करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे पहले मैं ब्लू वाले बॉक्स में जो वर्ड जो सेंटेंस है उसको मैं पढ़ रही हूँ। आप सभी बच्चे क्या करेंगे, अपना फिंगर्स रखेंगे और जैसे जैसे मैं पढ़ूंगी फिंगर्स को आगे बढ़ाते जाएंगे, ठीक है ना, और ध्यान से सुनेंगे इस बात को। विच इज़ योर फेवरेट ड्रेस, कौन सा कपड़ा, कौन सा जो पहनावा है आपका फेवरेट है। सभी का अलग अलग पहनावा होता है, गर्ल्स का अलग है, बॉयज़ का अलग है ना। सभी के लिए, आप सभी के घर में आपके बहन मम्मी अलग कपड़े पहनती हैं, आप और आपके पापा अलग कपड़े पहनते होंगे ना। तो इस तरह से सभी का अलग अलग भी ड्रेस का चॉइस होता है, फेवरेट ड्रेस होता है ना। डू यू वेयर दैट ड्रेस एवरीवेयर, क्या तुम इस ड्रेस को हर जगह पहनते हो। नो, वी वेयर डिफरेंट क्लॉथ्स एट डिफरेंट प्लेसेस। हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह का कपड़ा पहनते हैं। घर में हमारा कपड़ा क्या होता है, अलग होता है। स्कूल में हमारा कपड़ा अलग होता है ना। हम जब स्कूल जाते हैं आप सभी बच्चे, तो क्या करते हैं, सभी बच्चों का जो यूनिफॉर्म होता है वो एक जैसा होता है ना। उसके बाद क्या बोलते हैं, जब हम वेडिंग सेरेमनी में जाते हैं या पार्टीज़ वगैरह में जाते हैं तो उसमें पहनावा अलग होता है। मतलब हर जगह पे हर तरह का कपड़ा हम लोग पहनते हैं, है ना। फेस्टिवल में हमारा कपड़ा अलग होता है, शादी ब्याह में अलग होता है, घर का कपड़ा अलग होता है, स्कूल में हम जो पहनते हैं ड्रेस वो अलग होता है। उसके बाद पुलिस लोग जो यानी कि जो जॉब करते हैं उनका कपड़ा अलग होता है। मतलब हर जगह पे हम लोग हर तरह का कपड़ा पहनते हैं, ये नहीं कि एक कपड़ा हम लोग हर जगह पहन के चले गए। घर में भी वही कपड़ा पहनते हैं, बाहर में भी वही कपड़ा पहनते हैं, फेस्टिवल में भी वही कपड़ा, ऐसा तो नहीं है। हर जगह पे हम लोग हर तरह का कपड़ा पहनते हैं। लेट अस लर्न व्हाई डू वी वेयर नीड क्लॉथ्स। चलिए हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि हमें हमारे लिए कपड़ा क्यों ज़रूरी है, एंड हाउ कैन वी टेक केयर ऑफ आवर क्लॉथ्स, और हमें अपने कपड़े की देखभाल कैसे करनी चाहिए। ऑल ह्यूमन बींग्स वेयर क्लॉथ्स, जितने भी इंसान हैं, जितने भी मनुष्य हैं, मतलब इस दुनिया में सभी क्या करते हैं, कपड़े पहनते हैं। क्लॉथ्स मेक अस लुक गुड एंड स्मार्ट, और जो कपड़ा हमारा जो है वो हमें अच्छा और देखने में सुंदर बनाता है, स्मार्ट मतलब हमारा जो लुक है वो निखार देता है, ठीक है ना। वी शुड वेयर नीट एंड क्लीन क्लॉथ्स, और हमें चाहिए साफ और सुथरा कपड़ा पहनना, साफ सुथरा कपड़ा, नीट एंड क्लीन, एकदम साफ सुथरा कपड़ा पहनना चाहिए हमें। ये नहीं कि हम यानी कि नहा लिए और गंदा कपड़ा जो पहने हुए उसी को पहन लिए, नहीं, ये काम नहीं करना है। हमें नीट एंड क्लीन कपड़े पहनने हैं, ठीक है ना। आयरन किया हुआ कपड़ा होना चाहिए, अगर आयरन नहीं भी है तो हमें साफ नीट एंड क्लीन कपड़ा पहनना चाहिए। उससे क्या होगा, हम देखने में भी अच्छे रहेंगे और हमारा स्वास्थ्य भी, हमारा हेल्थ भी अच्छा रहेगा। तो चलिए पहला टॉपिक क्या है, नीड ऑफ क्लॉथ्स, ठीक है ना, कपड़े की ज़रूरत। वी नीड टू वेयर क्लॉथ्स टू कवर आवर बॉडी, हमें कपड़े क्यों ज़रूरी है, हमारे शरीर को ढकने के लिए। हम कपड़े क्यों पहनते हैं, खुद को ढकने के लिए, खुद के बॉडी को ढकने के लिए, है ना, छिपाने के लिए। क्लॉथ्स कीप अस सेफ फ्रॉम हीट कोल्ड रेन एंड इंसेक्ट्स बाइट्स, कपड़े हैं, कपड़े जो हम पहनते हैं वो हमें गर्मी से, ठंड से, पानी से, वर्षा से और इंसेक्ट मतलब कीड़े के काटने से बचाती है ना। गर्मी में क्या होता है,
अगर हम ऐसे ही निकल जाए, हमारा हाथ खुला रहता है जब हम बाहर निकलते हैं धूप में, तो क्या होता है, हमारा स्किन क्या होता है, जल जाता है। और जहाँ पे कपड़ा रहता है वहाँ पे हमारा स्किन क्या जैसा रहता है वैसे ही रहता है, ठीक है ना। जैसे जहाँ पे खुला खुला पोर्शन है, जैसे हमारा हैंड हो गया है ना, दोनों हाथ पैर ये और गर्दन का पीठ का जो जो ऊपर का पोर्शन होता है, ये भी क्या होता है, गर्मी के टाइम में उसका रंग फेड पड़ जाता है, मतलब वो वहाँ पे का जो रंग होता है वो थोड़ा अलग कलर हो जाता है। और जहाँ पे छिपा रहता है जो पोर्शन, वो वहाँ पे का जो चमड़ा रहता है वो वैसे ही रहता है, मतलब उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन जो खुला हुआ जो जगह होता है वो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे का रंग जल जाता है। तो इससे क्या पता चलता है कि गर्मी के दिनों में कपड़े हमें बचाते हैं धूप से, ठंड में जब हम हमारा बदन खुला रहता है तो ठंड लगती है, और जब हम ऊलन कपड़ा पहनते हैं, है ना, ऊनी कपड़ा पहनते हैं तो हमें क्या, ठंड से हमें राहत मिलती है, हमें ठंड नहीं लगती। बारिश में अगर हम ऐसे ही निकल जाएंगे तो क्या होगा, हम भीग जाएंगे, तो हम क्या करते हैं, रेनकोट का इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी एक कपड़ा है। और जैसे कि कीड़े मकोड़े काटते हैं, मच्छर काटता है ना, ये सब और भी बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं जो हमें काटते हैं, तो हमें कपड़ों की वजह से वो नहीं काट पाते, कपड़े मोटे होते हैं इसलिए वो नहीं काट पाते, तो इन सब चीज़ों से हमें कपड़ा बचाता है, इसीलिए कपड़े हमारे लिए ज़रूरी हैं। दूसरा है टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स। दूसरा पॉइंट क्या है, टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स, मतलब कपड़े कितने तरह के होते हैं। इन आवर फैमिली, हमारे परिवार में ऑल द मेंबर्स वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स, सभी के परिवार में जितने भी लोग हैं अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। क्लॉथ्स फॉर बॉयज एंड गर्ल्स आर डिफरेंट, और लड़कों के कपड़े अलग होते हैं, लड़कियों के कपड़े भी अलग होते हैं। आप सभी के घर में आप सभी देखते होंगे, मम्मी अलग कपड़ा पहनती है ना, पापा का कपड़ा अलग रहता है, आपका कपड़ा अलग रहता है, आपके भाई बहन का कपड़ा अलग रहता है, दादा का दूसरा यानी कि दूसरे टाइप का कपड़ा रहता है, अलग तरह का कपड़ा रहता है, धोती कुर्ता इस तरह का कपड़ा पहनते हैं, दादी क्या पहनती है, साड़ी पहनती है। तो सबका जो कपड़े का जो यानी कि तरीका है पहनने का वो अलग अलग होता है। आपका पैंट शर्ट होगा तो आपकी बहन का क्या होगा, फ्रॉक होगा, वो सलवार सूट पहनती होगी, मतलब अलग अलग तरह का हम लोग कपड़ा पहनते हैं, किसी का भी एक जैसा कपड़ा नहीं होता। बॉयज़ वेयर शॉर्ट्स एंड टी शर्ट्स, गर्ल्स वेयर फ्रॉक एंड और स्कर्ट। बॉयज़ क्या करते हैं, शॉर्ट्स मतलब छोटा पैंट पहनते हैं और शर्ट्स पहनते हैं, टी शर्ट होता है, शर्ट्स होता है ना। उसके बाद लड़कियों का के कपड़े में क्या होता है, फ्रॉक होता है, स्कर्ट होता है, वो भी शर्ट्स पहनती है लेकिन स्कर्ट होता है। स्कर्ट तो बॉयज़ नहीं पहनते हैं, नहीं ना पहनते हैं, स्कर्ट लड़कियों के लिए होता है, फ्रॉक किसके लिए होता है, लड़कियों के लिए होता है। हाँ ये है कि आज के डेट में लड़कियाँ भी जीन्स पहनती हैं, लेकिन उसका भी जो शेप होता है, जो साइज़ होता है वो अलग होता है, लड़कों से अलग होता है, ठीक है ना। फादर एंड ग्रैंडफादर यूजुअली वेयर ट्राउज़र शर्ट्स एंड कुर्ता पैजामा। फादर हो गए, पापा हो गए, और दादा दादी दादा हो गए, नाना हो गए, ये सब क्या पहनते हैं, उनका पैंट होता है, फुल पैंट होता है, या कुर्ता पैजामा पहनते हैं, है ना। उनका भी शर्ट होता है, वो भी शर्ट पहनते हैं, कुर्ता पैजामा पहनते हैं, और छोटे बच्चों का कपड़ा उन्हीं के ढंग का होता है। तो अलग अलग तरह से हम लोग अलग अलग कपड़ा पहनते हैं, सभी का कपड़ा परिवार में क्या होता है, फैमिली मेम्बर का अलग अलग कपड़ा होता है। हमारा कपड़ा दूसरे तरह का होता है, मम्मी का कपड़ा दूसरे तरह का होगा, फिर अगर मुझसे बड़े कोई होंगे तो उनका कपड़ा अलग होगा, चाहे वो मेरा भाई हो चाहे वो मेरी बहन हो, है ना। उसी तरह आपके घर में भी होगा, बड़े का कपड़ा अलग है, छोटे का कपड़ा अलग है। शादी ब्याह में हम अलग अलग तरह का कपड़ा पहनते हैं। पेज नंबर 39 देखिएगा, मदर एंड ग्रैंड मदर वेयर साड़ी एंड सलवार कमीज़। और मम्मी या दादी क्या पहनती है, सलवार कमीज़ पहनती है ना, सलवार सूट पहनती है, और या तो साड़ी पहनती है। आप सभी देख रहे होंगे, आप सभी के घर में होंगी, मम्मी हैं, है ना, दादी होंगी, नानी होंगी, आप सभी देखते होंगे, तो उन लोगों कपड़े का पहनावा क्या होता है, वो अलग होता है। अब यहाँ पे क्या है लिखा हुआ, यहाँ पे क्वेश्चन है, राइट द टाइप ऑफ क्लॉथ्स यू एंड योर फैमिली मेम्बर्स वेयर योर क्लॉथ्स। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि यहाँ पे टाइप ऑफ क्लॉथ मतलब क्लॉथ का नेम लिखना है, उस कपड़े का नाम लिखना है जो आप पहनते हैं, और आपके घर के मेंबर मतलब फैमिली मेंबर में पूछ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे योर क्लॉथ्स, आपको अपने कपड़े का यहाँ पे नाम लिखना है कि आप क्या पहनते हैं।
पैंट टी शर्ट है या शॉर्ट टी शर्ट है, शर्ट है, जो होगा यहाँ पे लिखना होगा। और नीचे वाले में योर फैमिली मेम्बर्स क्लॉथ, और आपके फैमिली मेम्बर मतलब आपके पापा, आपकी मम्मी, आपकी बहन, और अदर अगर भाई बहन होंगे उनके बारे में कि उनका क्या होता है। जैसे मम्मी साड़ी पहनेगी तो साड़ी, सलवार सूट पहनती है तो सलवार कमीज लिखिएगा, ठीक है ना। पापा अगर पैंट और शर्ट पहनते हैं तो पैंट शर्ट लिखिएगा, अगर कुर्ता पैजामा पहनते हैं तो कुर्ता पैजामा लिखिएगा, ठीक है ना। इस तरह से आप लिख दीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद है दूसरा, तीसरा पॉइंट है क्लॉथ्स फॉर डिफरेंट सीजन एंड ओकेजंस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये वाला टॉपिक आपको कल समझाऊंगी, आज के लिए बस दो ही टॉपिक रहने दीजिए, नीड ऑफ क्लॉथ्स, टाइप ऑफ क्लॉथ्स। आपको इस चैप्टर को रीड करना है तो होमवर्क में क्या रहेगा, रीडिंग चैप्टर 7, ठीक है ना। रीडिंग चैप्टर 7 आपका होमवर्क है, आज के लिए बस इतना ही रहने दीजिए, आपको रीड करना है चैप्टर 7, ठीक है ना। और जो आपका पॉइंट बच गया वो कल मैं पढ़ा दूंगी, आज के लिए बस इतना ही। और मैं क्लास को एंड करती हूँ, और आज का जो गुड मैनर टिप होगा वो क्या है, डू नॉट लिटर। हमेशा आपको क्लास के एंड से पहले क्या दिया जाता है, गुड मैनर टिप। तो आज का गुड मैनर टिप क्या है, डू नॉट लिटर। लीटर्स मीन कि कचरा, हमें कचरा नहीं लगाना चाहिए, चाहे वो हम घर में हो या घर के बाहर हो, स्कूल में हो या अदर किसी भी प्लेसेस पे हो, हमें कचरा नहीं लगाना चाहिए, ठीक है ना। लीटर्स का मीनिंग होता है कचरा, तो क्या नहीं करना चाहिए, लीटर्स। जब हम बाहर होते हैं, घर से बाहर खेल रहे हैं, तो अगर हम कुछ खा रहे हैं तो हमें वहाँ पे, एक तो खेलने के दौरान हमें कुछ खाना नहीं चाहिए, अगर हम खा भी रहे हैं तो उस चीज़ को, अगर उसका रैपर वगैरह है तो डस्टबिन में डालना चाहिए। अगर वहाँ पे डस्टबिन नहीं है तो आप घर पे लाइए और घर पे डस्टबिन में डाल दीजिए, है ना। अगर आप किसी दूसरे प्लेस पे हैं तो वहाँ पे भी डस्टबिन बना रहता है। जैसे हम पार्क वगैरह में हैं तो हमें क्या करना चाहिए, वहाँ पे कचरा नहीं फैलाना चाहिए, कचरे को कचरे के डब्बे में डालना चाहिए, है ना। स्कूल में भी कचरा का डब्बा बना रहता है, डस्टबिन बना रहता है, तो हमें वहाँ पे डालना चाहिए। इस तरह से हम अपने घर को, अपने आसपास को, अपने शहर को, अपने गांव को, अपने मोहल्ले को साफ रख सकते हैं। तो आज का गुड मैनर टिप क्या हो जाएगा, डू नॉट लिटर्स। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू ऑल, गुड बाय एंड टेक केयर।